हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 38 क्लास 9 रेमेडियल इंग्लिश वर्क बुक के लिए। इसमें हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट भूतकाल में, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है उसके बारे में। लर्निंग हिंट्स इसमें क्या दी हुई है भी, पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो वर्णन करता है एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन का, कार्य का, कंप्लीटेड, जो पूर्ण हो चुका है, बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, भूतकाल में कुछ क्षण पहले ही। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अब यहां पर देखिए भी, आई हैड रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुका था वह आता उससे पहले। अब याद रखना बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ क्या होता है अभी बाद में। तो बिफोर आफ्टर अगर किसी सेंटेंस में आता है तो यहाँ पर भी सेंटेंस मिलेगा आपको, यहाँ पर भी वाक्य मिलेगा, एक यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। बिफोर का अर्थ पहले होता है, तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे आप, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। और आफ्टर का अर्थ क्या होता है अभी बाद में, तो बाद वाले वाक्य में आप क्या करोगे भी, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे और पहले क्या यूज करोगे भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है क्लास 10 में, एक प्रश्न जरूर आता है। अब की बार भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप पेपर देखोगे तब बिफोर के पहले हेड थर्ड आएगा, आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आएगा, इधर सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी। ये नियम आप भी याद कर लो, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो भी बिफोर आया हुआ है, इसका अर्थ पहले होता है, तो पहले देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उसी प्रकार व्हेन ही रीच द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुंचा, द मैच हैड स्टार्टेड, मैच आरंभ हो चुका था। अब देखो भी व्हेन वाले वाक्यों में पिछले हमने सीखा था एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो एक तरफ वाज वर्ब आईएनजी आता है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे स्टार्ट, स्टार्ट में कैसे स्टार्टिंग हो, ये तो हम नहीं कह सकते मैच स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट हो चुका था। ऐसे जैसे यहाँ पर कई वर्ब आती है कंप्लीट, मैं गृह कार्य कंप्लीट कर रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसमें अचानक कंप्लीट होता है। कोई पहुंच होती है, रीचिंग नहीं आ सकता, रीच्ड, ऐसे प्रकार की वर्ब आती है तो आप वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का आप यूज करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है अभी, सब्जेक्ट मिलेगा आपको, हेड लगाना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, इसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है, और अदर वर्ड्स आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए भी रिकॉग्निशन वर्ड्स, ये सबसे मोस्ट लाइन होती है कि आपकी पहचान कैसे कर पाओगे, वहां पास्ट परफेक्ट टेंस बढ़ना है। वाक्य में आपको वैन मिलेगा, आफ्टर मिलेगा, बिफोर मिलेगा विद द सिंपल पास्ट टेंस, और इन तीनों वर्ड के साथ में कौन सा टेंस मिलेगा भी, सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको। वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी भी, सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो आप वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो भी कुछ सारणी दी गई है, अफर्मेटिव में क्या दिया हुआ अभी, ही हैड डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी। नेगेटिव में क्या बना हुआ, हेड के बाद में क्या लगाओगे भी, नोट का यूज करोगे, सी हैड नोट डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी। और इंटरोगेटिव में क्या करोगे, हेड है उसको पहले लिख दोगे कर्ता से, और लास्ट में क्या लगा दोगे भी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। जैसे दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, देखो भी सी हैड बॉट ए न्यू कार, वह एक नई कार खरीद चुकी है, तो सी का कहेगा भी, सी हेड का क्या लगोगे भी, हैड, अपनी तरफ से नोट लगाओगे हेड के बाद में, जैसे हमने हैज है के बाद नोट लगाया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट की बोट आएगी, ये न्यू कार, ये न्यू कार। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो ये हेड है, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके बाद में कर्ता कौन है भी, सी, फिर क्या आएगा भी, बोट ए न्यू कार, सेम का सेम लिख दो, और क्या लगा दोगे भी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। You had cured the disease, तुम बीमारी को ठीक कर चुके हो, इस सेंटेंस को आप बनाओगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्लू क्या दिया हुआ है अभी,
हिंट क्या दी हुई है आप देखिए भी, एक दो वाक्य मिलेंगे, एक वाक्य में तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, दूसरे वाक्य में आपको हेड थर्ड यूज करना है। जो मैंने नियम बताया था बिफोर आफ्टर का, वो नियम यहाँ प्रसंग में लागू होगा, वैन में भी लागू होगा। वैन से अगर जुड़ा हुआ है तो एक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरे वाक्य में ऐसी वर्ब आएगी जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम देखो प्रैक्टिस करते हैं, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, द मीटिंग एंड बिफोर द पुलिस कैम्प। अब बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, पहले देखो बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो यहाँ पर पहले वाले में हेड थर्ड आएगी, ये नियम हमने पढ़ा है अभी। उसके बाद में देखो कौन सी वर्ब आई हुई है, कम केम कम। अब हम निश्चित हो गए कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर हेड थर्ड आएगा, यहाँ क्या लगाओगे अभी, एंड एंड आ गया होगा अभी, एंडिड, एंडिंग नहीं हो सकता, एंडेड। मीटिंग थी वो समाप्त हो चुकी थी, पुलिस पहुंचती उससे पहले। दे डिस्ट्रॉयड ए बिग प्रॉपर्टी बाय द टाइम, वे एक बढ़िया संपत्ति नष्ट कर चुके थे। द पुलिस कंट्रोल द सिचुएशन, पुलिस है वो स्थिति को कंट्रोल करती उससे पहले। अब देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, अभी कर्ता पुलिस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब यहाँ पर एक वर्ब है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट होना, कंप्लीट होता है पूर्ण होना, ये ऐसी वर्ब है जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात डिस्ट्रॉय होता है वो अचानक होता है, कंप्लीट होता है वो भी अचानक होता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप यहाँ पर पास्ट टेंस तो आ ही आएगा, तो आप एड थ्रेड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एड डिस्ट्रॉयड, एड डिस्ट्रॉयड। अब देखिए भी नेक्स्ट देखिए, आफ्टर नंबर ऑफ पीपल डाई दे इन्वेंटेड द वैक्सीन। अब यहां पर देखो भी आफ्टर वाला सेंटेंस है, आफ्टर के बाद में एक सेंटेंस है ये, और यहां पर कोमा लग गई, और दे इन्वेंटेड द वैक्सीन, उन्होंने एक वैक्सीन की खोज की। यहां पर क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म, आफ्टर का तो बाद में होता है, तो आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस तो ये है, और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस ये है, यहाँ पर क्या आएगा अभी, हेड थर्ड आएगी। आफ्टर का अर्थ बाद में होता है ना, बाद में हेड थर्ड, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म डाई क्या आएगी भी, डी आई ई डी, डेड, हेड डेड। द पुलिस अराइव एट द स्पॉट बिफोर द सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखो बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, बिफोर का अर्थ पहले होता है, तो पहले वाले वाक्य में हेड थर्ड आएगा। इधर देखो भी कौन सी वर्ब यूज हुई है, अभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, पुलिस है वो जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है उससे पहले पहुंच चुकी थी, यहाँ पर कहेगा भी हेड अराइव्ड आ जाएगा, ईडी लग जाएगा। द चीफ गेस्ट कम टू फंक्शन, चीफ गेस्ट फंक्शन में आए, आफ्टर मैनी पीपल गो, उसके बाद में बहुत से लोग चले गए। अब देखो भी यहाँ पर आफ्टर वाला सेंटेंस है, आफ्टर के पहले तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म, कम केम कम आई हुई है, यहाँ पर हेड थर्ड आएगा, आफ्टर के बाद में हेड गॉन। दे पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम बिफोर दे इन्फॉर्म्ड मी। अब बिफोर वाला सेंटेंस है, बिफोर का अर्थ पहले होता है, पहले हेड थर्ड आएगी, बाद में सेकंड आएगी, सेकंड तो यहाँ आई हुई है, तो यहाँ क्या करोगे भी, हेड पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड होता है स्थगित करना, सूचना दी गई उससे पहले उन्होंने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया। सी सेल द ओल्ड कार वैन हियर मदर केम, उसकी माँ पहुंची उससे पहले वह कार बेच चुकी थी। अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म में, भी कम केम कम सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर कहेगा भी हैड सोल्ड, बेच चुकी थी, ऐसा तो नहीं कह सकते वह बेच रही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक्स।